जी जरूर कहना चाहेंगे, लाइफ में अगर दुख आए ना तो घबराना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर करिए। जैसे हम किसी के घर जाएंगे और वो हमको रिस्पेक्ट ना देके हमसे हमको देख के सरप्राइज ना होंगे, इग्नोर करेगा ऐसे वैसे, तो हम उस घर में दोबारा नहीं आए। उसी तरह दुख जब हमारे जीवन में आता ना, इग्नोर मारिए इसे, इग्नोर, दोबारा नहीं आएगा। उसको देख के घबराएंगे, इज्जत करेंगे तो फिर आ जाएगा, इग्नोर करेंगे। यही हम इस लोग कहते हैं कि हम जो भी कहते हैं हमारे पास इस चीज का अभाव रहा, हमारे पास इस चीज की कमी रही, उन सबको कहना चाहते हैं आप दुनिया में आपको किसी भी चीज का अभाव रहा, लेकिन आप इतना संघर्ष कीजिए कि अभाव में रहते हुए आप अपना पूरे विश्व पर प्रभाव डाल दीजिए। दुनिया देखे कि अभाव रहा लेकिन इसने पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डाल दिया। यहाँ पर लाइफ की एंट्री कैसे भी रहे, एग्जिट दमदार होनी चाहिए। हमारा बचपना भले कैसे भी मुसीबत रहा हो, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा एकदम बढ़िया से बिताएंगे, ये सब बच्चों को एक संकल्प रखना चाहिए। Well done everyone, give up. इंसान को मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, तकदीर पर इस सब पे ज्यादा नहीं, लक के भरोसे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर अपने तकदीर पर विश्वास रखेंगे तो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं आप। मुकद्दर में ऐसा नहीं है कि जो आपने लिख दिया वही होगा। आप कोशिश कीजिए अपने आप को, मतलब जितना ज्यादा बदलाव ला सकते हैं प्रतिदिन। आप जब भी कभी आपको लगने लगे कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लिए, बहुत ज्यादा सफल हो गए, तो अपने से ऊपर लोगों को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और अगर अपने से नीचे देखेंगे तब तो फिर जो जहां है, अगर अपने से नीचे लेवल के लोगों को देखना चाहेगा तो वहां पे तो उसको संतुष्टि मिलेगी मिलेगी। तो हमेशा इंसान को मेहनत करना चाहिए। और दूसरी बात कि कभी भी किसी को इंसान में घमंड अहंकार नहीं रहना चाहिए। अहंकार बहुत गलत चीज है, हमेशा ऐसे रहे कि दूसरों के मुसीबत में काम आ सके। तो ऐसा भी इतनी बड़ी भी बुलंदी नहीं रहनी चाहिए किसी को कि किसी के काम में ना जाए। कहते हैं जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खिदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ही ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। बहुत बढ़िया, वाओ, लवली सर। जहां से अपने ही ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। इसीलिए दोस्तों सभी को साथ लेके चले इस समय पे। मुझे आनंद सर जो कि मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, उनका एक बहुत ही जबरदस्त वाला शेर याद आ रहा है जो खान सर ने अभी कहा, मेहनत करो अपने आगे बढ़ो। तो आनंद सर हमेशा कहते हैं अरे क्या हो गया अभी तो याद आनंद सर हमेशा कहते हैं बुझी हुई क्षमा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है, उदास ना हो मायूस ना हो सिर्फ मेहनत करके देख, भारत के गरीबों की किस्मत बदल सकती है। खान सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड एक बार फिर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट